हेलो दोस्तों, सबको नमस्ते। मेरा नाम निखिल है और मैं यूट्यूब पर नया हूँ। और मैं सोच रहा था काफ़ी लंबे टाइम से कि यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस बनानी चाहिए, उसके लिए मुझे टॉपिक नहीं मिल रहा था। बाकी जिम तो मैं 4 साल से कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं सोच रहा था कि जिम पे ही क्यों ना वीडियोस बनाई जाए, क्योंकि मैं सभी की ऑलरेडी वीडियोस देखता हूँ, तो मैं खुद इतना मोटिवेट होता हूँ। तो क्या पता कि मेरे भी बनाने वीडियो बनाने से कोई मेरी वीडियोज़ देखे। मैं जिम की वीडियोस इसलिए बनाना चाहता हूँ कि लाइक जो मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, पहले का भी एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्योंकि जिम का क्रेज़ तो मुझे बचपन से ही था, मतलब स्कूल टाइम से ही। जब मैं स्कूल जाया करता था उस टाइम पे 1 महीने कर ली, 2 महीने कर ली, फिर कई बार जिम की फीस नहीं होती थी और घर में भी इतना कुछ अभी भी नहीं है वैसे, लेकिन ये है कि अब जिम का क्रेज़ ज़्यादा है। 4 साल से रेगुलर जिम जा रहा हूँ 2021 से। और अभी मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि लाइक मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ और उसके साथ घर, अपनी जॉब और उसके बाद जिम देना अपना मैनेज करता हूँ किसी भी तरीके से। जो मेरे साथ के लोग हैं, जो जानते हैं मेरे बारे में, वो बताएंगे कि कैसे मैं सब मैनेज करता हूँ। और अभी भी मैं बहुत अच्छा नहीं कमाता हूँ, लेकिन यह है कि जिम के लिए मैं मैनेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यूट्यूब पर। आज से मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालता रहूँगा, जितना ट्राई कर सकता हूँ। हफ्ते में 1-2 वीडियोस बने मेरी और वीडियोस बताऊँ कि मैं कैसे एक्सरसाइज करता हूँ, क्या मेरा डेली रूटीन है। और एक्चुअली ये मेरा पहला वीडियो है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कैसे क्या। और भी इतने बड़े बड़े दिग्गज यूट्यूबर्स हैं जो ऑलरेडी वीडियोज़ डाल रहे हैं, बट मुझे मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे क्या कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की हेल्प चाहिए तो आप लोग बताइए कि मेरे को किस टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए। और मेरा जो भी कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप उसको बताइए कि और मैं और कितना अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आएगी। एकदम से मैं भी पहले वीडियोस नहीं बनाता था, तो मुझे नहीं पता कि पहली बार कैमरे को फेस कर रहा हूँ कि कैसे क्या करते हैं। इसीलिए अब डेली लाइफ में आपको बताऊँगा कि अब घर से 2021 की बातें शुरू करते हैं। 2021 की बातें, लॉकडाउन चल रहा था तो मुझे लगा कि घर में तो काम था ही, बट उसके साथ साथ मैं क्या करूं, क्योंकि उस टाइम पे जॉब करता था, जॉब छूट गई थी। तो अब मेरे को ये लगा कि चलो जिम या एक्सरसाइज की जाए कहीं, अगर कोई ओपन हो जिम। तो हमारे यहाँ पे एक चोरी से जिम चल रही थी, किसी भैया ने मुझे बताया कि ये जिम है, तू ज्वाइन कर ले अगर मेरे साथ करना है, कि वो मेरा फ्रेंड ही है। तो मैं उनके साथ चला गया और मैंने जिम ज्वाइन की। शायद दूसरे या तीसरे दिन ही मैंने जिम की फ़ीस दे दी। वो जिम की फ़ीस 1000 रुपये दी थी उस टाइम पे 2021 में, और मैंने जिम स्टार्ट कर दिया। मैं दिखाऊंगा फ़ोटोज़ में उस टाइम पे कैसा था, और जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तो कैसे कैसे किया मैंने, क्या चीज़ थी। तो मुझे उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन कर ली, लेकिन उस टाइम से मेरा यह है कि जिम मेरा कंटिन्यूसली चल रहा है। और जिम के लिए यह है कि मेरा रूटीन जो है, मैं उसको बहुत डिसिप्लिन से फॉलो करता हूँ, क्योंकि आप जिम एक ऐसी एक्सरसाइज और एक ऐसा रूटीन है आपकी लाइफ में, उस वो आपसे डिसिप्लिन और जो रूल्स हैं उसके आप अगर उसको फॉलो करोगे तभी आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। अदरवाइज जिम तो सभी लोग कर रहे हैं और मे बी हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता। मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी उतने डिसिप्लिन से फॉलो नहीं करता हूँ। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि लाइक आगे अगर इस चीज़ में मुझे वीडियोस और ये सब करना ही है, तो मुझे आप लोगों के लिए उस तरीके से खुद को प्रेजेंट करना पड़ेगा और खुद का डिसिप्लिन रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और मुझे फॉलो भी करना पड़ेगा। तो अभी ये है कि मैं हफ्ते में 6 वीक ट्रेनिंग करता हूँ, और डाइट ये है कि मैं कैलोरी जो मुझे लेनी चाहिए मैं उतनी कैलोरी में लेता हूँ। कभी कभी सरप्लस हो जाता है, तो उसके लिए मैं अगले दिन एक्स्ट्रा वर्कआउट करके बर्न करने का ट्राई करता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है मेरे साथ जो वर्कआउट करता है, उसका नाम अभिनव है, तो उसकी भी वीडियोस मैं अपने साथ डालूंगा, क्योंकि वही मेरी हेल्प करता है वीडियोज़ बनाने में अभी जिम में, और हम दोनों ही एक्सरसाइज करते हैं। बाकी ये है कि डाइट तो अभी भी उतनी अच्छे से फॉलो नहीं हो सकती है, और जो जिम का जो मैंने जितना भी सीखा है, ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से ही आता था, मैंने सब यूट्यूब की वीडियोस से ही देखा है, लोगों से पूछ पूछ के, और जो ऑलरेडी जिम में हैं लोग उनसे पूछा कि कैसे क्या किया जाए। क्योंकि मेरे को बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ जब भी कोई जिम की बात करता है और एक्सरसाइज की बात करता है। तो मेरे घर वाले भी इवन अगर मैं एक दिन छुट्टी कर लूँ तो वो कुछ पूछते हैं कि आज जिम नहीं गया क्या, तो वो चीज़ अच्छी लगती है। और कुछ बोलते हैं
मुझे अच्छा लगता है। और बाकी ये है कि आप अगर जिम जाते हो तो ये आपके लाइफ में भी एक बहुत अहम हिस्सा निभाता है, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि आपके मेंटल पीस और आपके डेली रूटीन में एक सपोर्ट की तरह काम करता है, जिससे आप अच्छे दिखते ही हो और उसके साथ साथ आप डिसिप्लिन भी आपके लाइफ में फॉलो होता है। तो मेरे हिसाब से तो जिम जितने ज़्यादा लोगों को जाना चाहिए, और मैं जो लोग कहते हैं कि लाइक जिम जाके क्या ही कर लेगा, जिम जाके क्या ही होता है, तो उन लोगों को शायद थोड़ा देखना चाहिए यूट्यूब पे, बाकी लोगों को सीखना चाहिए कि जिम जाके क्या होता है। वो एक बार, मैं ये नहीं कह रहा कि जिम जाके कुछ नहीं होता, बस आप एक बार जिम जाके देखिए कि जिम में जाके एक अलग वाइब आती है और आप एक्साइटेड हो जाते हो। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो और सच में आप चाहते हो कि मतलब बॉडी आपकी शेप में रहे और आप खुद भी अच्छे लगो खुद को देखने में, तो मेरे हिसाब से आपको सभी को जितना आप ट्राई कर सकते हो एक्सरसाइज, आपको जरूरी नहीं है जिम भी जाओ, उसके साथ आप कोई भी वर्कआउट करो, लेकिन आप एक्सरसाइज जरूर करो, क्योंकि डेली रूटीन में आज हम जैसे रहते हैं तो मैं जैसे दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है और लोगों के पास शायद इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन हम डेली 1 घंटा निकाल सकते हैं अपने अपनी बॉडी के लिए, तो 1 घंटा निकाल ही सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जिम जाना चाहिए, और अब मैं देखूंगा, ट्राई करूंगा जितनी ज़्यादा मैं लॉन्ग वीडियोस बना सकूं, और अब मैं हफ्ते में 1-2 वीडियोस आपके लिए ला सकूं अलग अलग कंटेंट पे। बाकी आप लोग मुझे सजेस्ट करिए किस पे वीडियो बनानी चाहिए, और क्या आप लोग देखना चाहते हो, क्या आप लोग जानना चाहते हो, तो मुझे कमेंट भी कर सकते हो और मेरे इंस्टा पे भी आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हो। तो आज की वीडियोज़ में इतना ही, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बाकी कुछ भी रहेगा तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।